हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ संडे अपडेट की वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो संडे अपडेट में मैं अपना गार्डन आपके साथ पूरा शेयर करती हूं। तो यहां पर देखिए हमारे मनी प्लांट हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं। मैं इनमें कोई कुछ भी फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी नहीं देती हूँ, सिर्फ पानी का स्प्रे कर देती हूँ या फिर बारिश का पानी थोड़ा बहुत कभी कभार पड़ जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कोलियस की बहुत सारी कटिंग लगाई है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इसका वीडियो कोलियस का कटिंग का। तो यहाँ देखिए उसके बाद मैंने आपके साथ जो लगाया था ये वाली कटिंग है, और उसके बाद मैंने बहुत सारी एक थोड़ा सेलो पॉट है इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है, कई वेराइटी कई कलर के। तो ये भी अच्छे से चल जाएगी, अभी तो शौक में है, अभी मतलब कि 2-3 दिन ही हुए इसको लगाए मुझे। यहाँ पर देखिए मैंने जो हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी वो भी, जो देसी वाले हैं वो तो बड़े ही हेल्दी और फ्रेश दिख रहे हैं। ये मेरे थोड़ा पर्पल वाले की पत्तियाँ थोड़ी येलो सी हो रही हैं, बाकी क्योंकि एक आध दिन इसमें धूप भी पड़ गई थी। बाकी देखिए ये सिर्फ सैंड में लगाया हुआ है मैंने इनको, और लगभग 15 दिन, अभी 15 दिन हो रहे हैं कि पता नहीं नहीं हो रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी देना शुरू करूँगी। यहाँ पर मेरी हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग है, ये देखिए ये थोड़ा सा मुरझा जाती है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धूप आज तेज़ है, तो थोड़ा सा धूप का अगर थोड़ा सा भी असर इसमें दिख जाता है तो बिल्कुल ही मुरझा जाती है। जब मौसम ठीक ठाक रहता है तो बिल्कुल फ्रेश दिखती हैं। यहाँ मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई थी, ये भी देखिए अभी बिल्कुल फ्रेश है इनकी पत्तियाँ। और ये ड्रेसिना की लगाई थी कटिंग, मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई। यहाँ कलंचो की कटिंग लगाई थी, ये भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, पूरा कंटेनर मेरा भरा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए ये वाला पॉट भी भरा है और ये वाला भी पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए डहलिया की भी कटिंग लगाई थी, ये देखिए तीन कटिंग लगाई थी, तीनों कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और मैंने इसको पहले तो मैंने छोटे से ग्लास में लगाया था, अभी मैंने इसको इस पॉट में लगा दिया है। तो डहलिया कटिंग लेकिन अभी आप थोड़ा सा रुक करके लगाइए, क्योंकि अभी लगाते हैं तो कुछ कटिंग चल जाती है कुछ नहीं भी चलती है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो अगस्त सितंबर से इसकी कटिंग, अगस्त से बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे सिंगोनियम है, ये कोलियस, इसी की कटिंग मैंने कल बहुत सारी लगाई परसों। और ये बिगोनिया के प्लांट है, ये हमारा पॉइंसेटिया का प्लांट है, कभी कभी ना प्लांट के नाम भी भूल जाते, इतने सारे प्लांट होते हैं। ये देखिए रेड बिगोनिया बहुत प्यारा खिल रहा है, और इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे बारिश से इसको बचाया जा सके, क्योंकि एक बारिश में बारिश पड़ती है तो ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और ये हमारा जो कोलियस है बहुत प्यारा सा है, ये भी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कटिंग से ग्रो किया था। यहाँ पर देखिए कितने छाया में रखे हुए थे, बहुत लंबी लंबी सी इनकी ब्रांच हो गई, देखिए बिल्कुल पतली पतली सी। तो ये सारे कोलियस ही हैं। यहाँ पर ट्रायंगल हार्ट है, सीडम है, ये बेबी टीयर्स के प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर सारे सकुलेंट हैं। यहाँ पर मेरी सारी क्रिसेंथियम की कटिंग है जो कि मैंने रिपोर्ट कर ली थी, और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी है प्लांट इनके। और अब हम इनकी पिंचिंग भी शुरू कर देंगे, मैंने तो कुछ की कर भी दी है, ये देखिए यहाँ से मैंने पिंच कर दिया है इनको। और इनको भी बारिश के पानी में मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो जाएगी तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। यहाँ देखिए डेंथस की कटिंग लगाई, ये भी लगी हुई है। और इधर सेंसवेरिया है, ये सारे सकुलेंट हैं। और इधर एग्लोनिमा है। यहाँ पर देखिए मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई थी और ये आज धूप में ही रखा रह गया, लेकिन बिल्कुल मुरझाया नहीं है, आप देख सकते हैं धूप में रखा हुआ है बिल्कुल से। और इसको भी मैं अभी छाया में उठा के रख देती हूँ, तो कभी कभी भूल जाती हूँ मैं रखना। तो वैसे ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जो मेरे अरेलिया के प्लांट थे उन सबको मैंने प्रूनिंग कर दी है, काफ़ी अच्छा वैसे ग्रो हो रहा था, लेकिन अभी मैंने प्रूनिंग इसलिए कर दी है कि और ज़्यादा इसका शेप अच्छा सुंदर से हो जाएगा। पूरा प्रून कर दिया मैंने इसकी रूट, देखिए ये पहले एक बहुत बड़े से बकेट में लगा हुआ था, फिर मैंने इसको निकाल लिया उसमें से, और मैं सोच रही थी इसको हटा दूंगी, लेकिन जो इसका रूट्स का टेक्सचर था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने इसको देखिए सिर्फ 3 या 4 इंच का, सिर्फ 3 इंच का ये पॉट है, इसी में ये लगा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और ये छोटे से बिल्कुल 2.5 इंच के पॉट में लगा है, तो ये जब पूरा शेप ले लेगा तो बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पर देखिए अलमंडा का प्लांट, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इसमें, जब से मैं लेकर आई हूँ अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ तक इसकी ब्रांच आ गई है, देखिए इसने चांदनी के प्लांट को पकड़ के चढ़ना शुरू कर दिया है, देखिए इसकी वाइन। और इधर पेंटास है, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। और ये रोड बैक अगर प्लांट है, देखिए कितना सुंदर से फूल आया हुआ है इसमें। इधर ये डेंथस है, डेंथस भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और उसके बाद ये पिंक पेंटास है, बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहा है। इधर मैंने क्रोटन रखे हुए हैं, क्रोटन की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए ये सारे मेरे हाइब्रिड विंका हैं, जिनको मुझे बारिश से काफ़ी बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो बारिश में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और एक प्लांट देखिए इसमें भी बारिश पड़ गई थी, ये इस तरह से स्टेम रोटिंग हो जाती है इसकी बारिश के पानी से, बारिश जैसे ही इसमें गिरती है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इस ब्रांच को कट करूँगी, अच्छा ये ब्रांच में हुआ है तो ये ख़राब होने से बच जाएगा, मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, बाकी प्लांट मेरा हेल्दी है। और यहाँ पर ये सारे हाइब्रिड विंका ही हैं जितने भी हैं, ये देखिए सारे विंका ही हैं यहाँ पर, पूरा विंका ही का एक कलेक्शन है।
और यहाँ पर देखिए क्रोटन की ग्रोथ में दिखा दूँ आपको थोड़ी सी, ये देखिए छोटे छोटे न्यू न्यू इसमें ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो गई हैं जितने मैंने प्रून किया था। इसको मैंने नहीं प्रून किया है वैसे, का ये भी था काफ़ी बड़ा हो गया, हेल्दी सा है। इसको मैं प्रून कर देती तो नीचे से काफ़ी अच्छा घना हो जाता और ज़्यादा ये। और ये पिंक कलर का पेंटास है, ये देखिए इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये सारे हाइब्रिड विन का है। यहाँ पे मैंने जेट प्लांट भी अपना रखा हुआ है, थोड़ी सी धूप में, थोड़ी सी क्या फुल धूप ही यहाँ पे लगती है। और कुछ अडेनियम भी यहाँ पे रखे हैं। ये टोरेनिया देखिए कितने अच्छे से ब्लूम्स कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल इनमें भी आ रहे हैं। और ज़्यादातर ये हमेशा विंटर में ही मुझे मिलता था, लेकिन इस बार अपने आप ही ग्रो हो गया था सीड से, बहुत सारे सीड गिरे रहे होंगे इसके तो। और एक प्लांट यहाँ पर भी लगा हुआ है, एक नहीं इसमें दो प्लांट लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे से। ये देखिए हाइब्रिड इनका की सारी सीडलिंग है जो मैंने उस टाइम पे रिपोर्ट करी थी, और ये अभी भी इसी में लगे हुए हैं। इनको मैंने एक साथ ग्रुप में बना के रखा है। और ये है हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस जो बहुत प्यारा सा फ्लावर, देखिए मेरे हाथ से बड़ा इसका फ्लावर आया हुआ है। आज भी एक ही फ्लावर आया है और कल भी एक ही फ्लावर इसमें आया हुआ था। तो सूखे फूलों को आपको इस तरह से हटा देना है। येलो वाला भी खिलने वाला है, आज नहीं खिला ये कल खिलेगा। और देखिए इसमें फिर से कलियाँ, बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। इसके दो ब्रांच को मैंने कटिंग भी कर दिए थे, यहाँ से देखिए न्यू न्यू ब्रांच भी निकल रही हैं। और यहाँ पर मेरी सारी एडेनियम की सीडलिंग है जो मैंने कल इसकी वीडियो भी परसों आप लोगों के साथ डाली थी, काफ़ी अच्छी इनकी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। इधर एक जोरा का प्लांट है, ये देखिए। तो इन जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं इनको अभी आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दीजिए अच्छे से, ताकि ये हेल्दी ग्रो होते रहें। इन सबको भी मैंने फर्टिलाइजर दे दिया है हिबिस्कस को। ये देखिए इसकी पत्तियाँ, देखिए एक ब्रांच बिल्कुल ग्रीन सी हो गई है और इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इधर सारे मेरा अडेनियम है, अडेनियम में भी कलियाँ किसी 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 प्लांट में, एक प्लांट में ही अभी बन रही है। देखिए इधर डहेलिया है, आज दोपहर के 11:30 हो गए हैं और देखिए बिल्कुल धूप, ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से इसकी पत्तियाँ देखिए थोड़ी नीचे की तरफ झुक गई हैं, और शायद गमले में पानी भी नहीं है इस वजह से और ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए ये सनफ्लावर के प्लांट है, देखिए कितने अच्छे हेल्दी ये भी ग्रो हो रहे हैं। इनके भी बड्स को आप हटाते जाइए तो इसमें न्यू न्यू ब्रांच निकल करके अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। और ये मेरा येलो वाला ही हिबिस्कस है, ये देखिए एक ये भी है, देखिए किस तरह के फ्लावर इसमें आ रहे हैं। इन सब की कलियाँ मैं सोच रही हूँ हटा दूँ, क्योंकि मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया है और थोड़ा सा इसकी ब्रांच अभी भी हेल्दी नहीं है। यहाँ देखिए मेरे मैंडविला का प्लांट है जो काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज आज तो इसमें भी धूप लग गई है, तो इसके भी फ्लावर जो है थोड़े मुरझा से गए हैं। ऊपर काफ़ी अच्छा हेल्दी है, ये देखिए कितनी सारी कलियाँ, यहाँ पर बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, ये कलियाँ ही कलियाँ इसमें भरी पड़ी हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी किया था, थोड़ी सी इसकी पत्तियों में पेस्ट अटैक दिख रहे थे, देखिए इस तरह से शेप बिगड़ रहा था इनकी पत्तियों का। और ये देखिए इस तरह से कलियाँ बहुत सारी आई हैं, फ्लावर आज कमी खिले हैं, जो खिले भी हैं वो थोड़े से मुरझाए हुए से हो गए हैं। यहाँ पर थूजा है, ड्रेसिना है, आज ये पूरे फुल सनलाइट में रखे हुए हैं बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे रोज़ के प्लांट हैं, और देखिए मैंने बालसम के कुछ सीड डाले हुए थे, ऐसे ऊपर ही बिखेर दिए थे मैंने, इनको मिट्टी से दबाया भी नहीं था और सारे सीड ग्रो हो गए हैं। देखिए एक तरफ से इतने सारे सीड ग्रो हुए हैं। और देखिए रोज़ के फ्लावर, मैंने इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन ये अभी मैं इसको कट करके हटा दूँगी यहाँ से। और ये मेरी एडेनियम की सीडलिंग है, ये भी मेरी फुल सनलाइट में ही रखी हुई है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो, अगर आपकी सीडलिंग बहुत छोटी है तो आप उसको थोड़ा सा ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ थोड़ी धूप कम लगे, क्योंकि जो बरसात की धूप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती है। तो अभी तो मैंने रखा हुआ है, 11:30 बज रहे हैं, इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हटा के अंदर रख दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। देखिए मॉर्निंग ग्लोरी बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रही है, कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। इसको मैंने पूरा ऊपर से चढ़ी हुई थी तो ऊपर से प्रून कर दिया था, और ये बस इतने में ही खिलते रहते हैं इसके फ्लावर। सुबह सुबह टाइम इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं, देखिए चारों तरफ से। तो यहाँ पर खूब सारे फूल इसमें आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल हैं। और यहाँ देखिए हिबिस्कस, बहुत प्यारे प्यारे फूल इसमें आते हैं, मैंने कटिंग से ग्रो किया था और अभी तो मैंने सारे ब्रांच प्रून कर दी है। देखिए उसके बाद भी इसमें जो कुछ नीचे से कलियाँ आई हुई थी वो अभी भी खिल रही हैं। और इसके यहाँ पर दो प्लांट हैं, दो तीन प्लांट और थे मेरे पास तो वो मैंने दे दिए थे, अपने नेबर्स को दे दिए थे, क्योंकि इतने सारे प्लांट मेरे पास हो गए थे। और ये इनके भी सबके प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए।
तो ये देखिए हम आ गए हैं अपने थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ पे मैंने पोई साग को यहाँ पे उठा के रख दिया है। इसकी मैं कटिंग कर लूँगी तो बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो होंगे इसके प्लांट फिर। और यहाँ देखिए रोज़ में बहुत सारी ब्रांच निकल कर आई हैं, और जितनी ब्रांच निकली थी सभी में कलियाँ आ गई थी। ये देखिए जैसे यहाँ पर कलियाँ आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, तो हर जगह जिस जितने भी इसमें कलियाँ आई हुई थी मैंने सभी को पिंच कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी कलियाँ नहीं चाहिए थी। इसकी मैं ग्रोथ अच्छे से होने दूंगी पहले, और फिर बाद में ये विंटर के लिए, ताकि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। फिर अभी से फूल देते रहेगा तो फिर इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो मैं कलियाँ इसकी हटाते जाऊँगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर आई हुई है, तो इसको हमको इस तरह से तोड़ देना है, शुरू में ही तोड़ के हटा देना है। और इस प्लांट की बड़ी हो गई थी तो इसकी मैंने छोड़ दी थी, कितने सुंदर इसमें फ्लावर आने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और एक वहाँ पर भी आई है और एक इसमें भी आई है, 6, मतलब 6-7 कलियाँ एक यहाँ पर भी आई हुई है। देखिए तो 7-8 कलियाँ इसमें आई हुई हैं, और प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहा है। बस इसमें फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमको करते रहना है, ताकि हमारे रोज़ के प्लांट हेल्दी रहें। देखिए कितनी सुंदर न्यू पत्तियाँ ग्रो हुई हैं। आज तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि सभी की पत्तियाँ बिल्कुल मुरझाई हुई सी लग रही हैं। ये देखिए लेंटाना, इसके फ्लावर झड़ गए हैं। एक ऑक्सकॉम का फ्लावर है, रेन लिली है, और इधर हमारे मॉस रोज हैं। आज इनमें कम फ्लावर आया है, नहीं तो इसमें भी खूब भर भर के फूल आते हैं। पर्सलिन मैंने पूरा प्रून कर दिया था, तो इस वजह से इसमें अभी फ्लावरिंग कम हो रही है। और यहाँ पे चंपा के फ्लावर, चंपा तो फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो होता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। बस यही है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई, क्योंकि कल बारिश हुई थी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई थी, तो गमलों में मिट्टी बिल्कुल भी नहीं गई। और ये देखिए इस तरह के टिन के प्लांटर में लगे हुए बड़े बड़े से, लगभग जो 15 लीटर के ऑयल टिन होते हैं, और ये मैंने सारे अपने ग्रो बैग्स में लगाए। देखिए ये चंपा मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है, ये देखिए, ये जो आप नाग चंपा देख रहे हैं ये भी मैंने छोटे से ग्रो बैग में लगाया है, ये देखिए। और ये देखिए डहेलिया मेरे बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विंटर में जो होते थे वैसे ही हो गए हैं, बिल्कुल बहुत ही हेल्दी से। इधर ये अभी प्रूनिंग के बाद इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। ये सारे हिबिस्कस हैं जो मैंने प्रून कर दिए थे। ये नागचंपा देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग पे है, और जिसकी दूसरी वाली ब्रांच है इसमें भी कलियाँ आ गई हैं, देखिए। तो यहाँ से इतनी सारी इसमें ब्रांच डेवलप हुई है, देखिए नहीं लंबा लंबा सीधा निकल जाता है। नीचे से भी जो ब्रांच मेरे टूट गई थी वहाँ से देखिए 2 ब्रांच नीचे से भी निकल गई हैं, तो काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। ये मेरा पर्पल हिबिस्कस है, इसमें देखिए कितनी सारी ब्रांच निकल रही हैं, और मैंने इसको पूरा ही प्रून कर दिया था, काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। इधर सारे हमारे जीनिया हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और 12 बज चुके हैं बिल्कुल। इधर अपराजिता है, इधर सदाबहार है, और यहाँ पर हमारा वाटर फाउंटेन है जो मैंने आज ऑन नहीं किया है इसको। और यहाँ पर देखिए जो नागचंपा की मैंने कटिंग को रिपोर्ट किया था, इतनी तेज़ धूप इस समय हो जाती है कि बिल्कुल पत्तियाँ थोड़ी सी येलो हो रही हैं, क्योंकि मैंने इसको छाया में भी उठा के नहीं रखा था। और यहाँ देखिए कनेर में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, कितना सुंदर फूल है, इसमें बहुत प्यारे से फूल आते हैं येलो कलर के, और देखिए कितने हेल्दी ग्रो है सभी। देखिए कलियाँ पूरे बंचेस में आई हुई हैं, इसमें पूरे प्लांट मेरे कलियों से भरे हैं। तो ये इस तरह से हमारा गार्डन है यहाँ का। और जो हिबिस्कस मैंने प्रून कर दिए थे उनकी ग्रोथ अभी अब धीरे धीरे होगी। धूप इतनी तेज निकल आती है कि देखिए पत्तियाँ इनकी भी कुछ येलो हो रही हैं, ऊपर से उन्हें पानी भी नहीं दिया है किसी में भी। यहाँ पर ये अलमंडा जो बूसी वाला है, इसमें भी देखिए कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट ईयर इसने बस 2 ही 4 फ्लावर दिए थे, इस बार देखती हूँ कितने फ्लावर आएंगे इसमें। और बाकी तो यहाँ पे जितने भी मैंने डहेलिया भी प्रून करके रखे थे, आज सभी कंडीशन ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और साथ में मेरी भी। तो बस यही, यहाँ पर बिल्कुल जंगल लुक बना हुआ है। तो अगर आपके पास डहेलिया के प्लांट है या फिर आपके बल्ब गमलों में पड़े हुए हैं, तो आप उनको थोड़ा बारिश से बचा के रखिए। देखिए सारे प्लांट मुरझाए हुए से हो गए हैं, और यहाँ पे एक धतूरे का प्लांट ग्रो हो गया, इसमें देखिए फ्लावरिंग होने वाली है। कोई प्लांट ऐसा नहीं जिसमें फ्लावर नहीं आ रहा हो। तो हमारा ये थर्ड फ्लोर का गार्डन है, जो अब बिल्कुल धूप की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ सही से। और ये देखिए, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।